आज की स्टोरी है बोरिस गुडमैन की, द मिरेकल मैन। और ये नाम उसको डॉक्टर्स ने दिया था क्योंकि उसकी लाइफ स्टोरी सच में अनबिलीवेबल है। दैट्स ए ट्रूली मिरेकल इटसेल्फ। तो बोरिस गुडमैन इंश्योरेंस सेक्टर में एक जाना माना नाम था बिकॉज ही इज द वन ऑफ द टॉप सेल्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो ऑब्वियस था कि उसका जो लाइफ स्टाइल होगा काफी लैविश होगा, फैंसी कार्स, बड़े बड़े बंगलो, रिच लाइफ स्टाइल। तो एक दिन ऐसे ही वो दोपहर में अपने प्लेन पे राइड ले रहा था, ओवर द सी फ्लाइंग करने के बाद जब वो लैंड करने लगा तो ओशन की रिफ्लेक्शन पड़ने से जब उसका प्लेन क्रैश हुआ, देन दैट वाज द मेजर सेटबैक ऑफ हिज लाइफ। इतना बुरा एक्सीडेंट था कि क्या ही बताएं। उसका कोई बॉडी पार्ट नहीं होगा जो ब्रोकन ना हुआ होगा, ब्रोकन नेक, ब्रोकन स्पाइनल कॉर्ड, इवन वो ना कुछ खा सकता था ना पी सकता था। वो इतना बुरा एक्सीडेंट था कि डॉक्टर्स को 9 घंटे लगे थे उसको वायर्स एंड प्लास्टर से स्टिच करने में। उसका कोई बॉडी पार्ट कंप्लीट नहीं बचा था, एवरीथिंग ब्रोकन एंड शैटर्ड, इट्स लाइक सडनली लाइफ गो टू द हेल। तो काफी टाइम लगा मॉरिस गुडमैन को मौत को चकमा देने में, ही बेयरली सर्वाइव द डेथ। एंड आफ्टर द 8 मंथ ऑफ एक्सीडेंट जब वो रिकवर होकर हॉस्पिटल से निकला तो उसकी लाइफ टोटली चेंज हो गई थी। ही बिकेम ए न्यू मैन, वो ऑथर बना, राइटर बना, मोटिवेशनल स्पीकर बन गया। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां उसको बुलाने लगी टू मोटिवेट देयर एम्प्लॉयज टू हैव ए टॉक। इट्स लाइक ही बिकम ए एम्बेसडर ऑफ विल पावर एंड करेज। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि अगर हम में विल पावर हो, हमारी जो इनर सेल्फ स्ट्रॉन्ग हो, तो हम क्या नहीं कर सकते। अगर एक बंदा मौत से रिकवर हो सकता है इतना बुरा एक्सीडेंट होने के बाद, जिसको डॉक्टरों ने भी दावा कर दिया था कि वो नहीं बच सकता, दैट मैन सर्वाइव्ड। नॉट ओनली सर्वाइव्ड, ही केम बैक विद फुल पावर विद ए फुल न्यू लाइफ। तो क्या नहीं पॉसिबल, जस्ट वी हैव टू कीप फेथ ऑन आवर सेल्फ। अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग रखनी चाहिए दोस्तों, सब कुछ पॉसिबल है इस दुनिया में।